जय भीम साथियों, असुरन ऐसा समाज जिसे ब्राह्मण सवर्ण लोगों ने अपने त्योहारों में दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, उसे बुरे तरीके से दिखाया है, समाज का विलन दिखाया है, जैसे वो इंसान है ही नहीं, वो भूत है, ऐसे तरीके से पेश किया है। पर असुरन मूवी में वो हीरो है, असुरन हीरो है, असुरन लड़ाई लड़ता है, शोषण के खिलाफ लड़ाई, अपने न्याय की लड़ाई, अपने गरिमा की लड़ाई, अपने ज़मीन के लिए लड़ाई, अपने परिवार को बचाने की लड़ाई। और उसकी हिंसा हिंसा नहीं है, वो आत्मरक्षा है, वो बदला नहीं है, वो आत्मरक्षा की लड़ाई है। स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में जिसका नाम है लाइट्स कैमरा कास्ट। इसमें हम बहुत सारी मूवीज़ की चर्चा करेंगे जो जाति के मुद्दे पर बनी है और खासकर बहुजन कहानियाँ दिखाती है, बहुजनों के पर्सपेक्टिव से कहानियाँ दिखाती है, जिसमें बहुजन किरदार हीरो है, विलन नहीं है, वैसी कहानियाँ हम देखेंगे। क्योंकि बहुत समय तक पिक्चरों में, खासकर हिंदी पिक्चरों में, ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है, ब्राह्मणवादी वर्चस्व की वजह से हमेशा ब्राह्मण हीरो रहे। और जैसे हमने तुलना भी करी थी फैमिली मैन वर्सेस द कर्नन लास्ट वीडियो में, तो हमने देखा था ये कंपैरेटिव एनालिसिस में कैसे अगर ब्राह्मण सवर्ण पिक्चर बनाते हैं तो उसकी स्टोरी हो गई, उसके किरदार कैसे होते हैं, वो शोषित किसको दिखाते हैं, किस जाति को, वो बहुत ज़रूरी है। पर पिछले कुछ सालों में हमने कई ऐसी मूवीज़ देखी जिसमें असुरन है, कर्णन तो है, और काला, कबाली, फांड्री, सैराट, पेरियोरम, पेरुमल, मद्रास, ऐसी और बहुत सारी मूवीज़ भी हैं जिसके बारे में हम इस शो में अब चर्चा करेंगे, रिव्यूज़ करेंगे उसका, और केवल रिव्यू ही नहीं, आंकलन भी करेंगे कि कैसे ये मूवीज़ धीरे धीरे करके चोट कर रही हैं ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को फिल्मों में, पॉपुलर कल्चर में। क्योंकि पॉपुलर कल्चर समाज का आईना होता है, वो लोगों को इंस्पायर भी करता है और साथ ही साथ लोग चाहे मनोरंजन तो करता ही है और इंस्पायर भी करता है। तो असुरन जो मूवी है, आज हम असुरन मूवी से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि असुरन पर वीडियो ज़रूर बनाइए, तो हम शुरुआत असुरन से कर रहे हैं। असुरन मूवी कहानी है शिवमणि की। शिवमणि एक दलित किसान है तमिलनाडु के गांव में, जो धनुष प्ले कर रहे हैं, सुपरस्टार धनुष। और शिवमणि के पास 3 एकड़ ज़मीन है और उस 3 एकड़ ज़मीन पर भी नज़र है एक गांव के बड़े ज़मींदार की, सवर्ण ज़मींदार की, जिसके पास बेइंतहा ज़मीन और पैसा है, फिर भी उसको अहंकार है, जेलसी है उस 3 एकड़ ज़मीन के लिए, अपने इस्तेमाल के लेने के लिए। इस पर वो अत्याचार करता है किसान पर, शिवमणि पर, और इस अत्याचार के बदला तो नहीं कहेंगे हम, अगेन विद्रोह कैसे करता है शिवमणि, वो इसकी बेसिक कहानी है। तो हम आपको और कहानी को थोड़ा डिटेल में और उसमें क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और क्या डायलॉग्स हैं उसका एक पैकेज हमने बनाया है, वो हम खुद आपको दिखाते हैं। पर एक महत्वपूर्ण बात उससे पहले, जो बाबा साहब ने कही थी, बाबा साहब के फ्रेमवर्क में ये मूवी है कि कैसे बाबा साहब ने लड़ने की बात तो कही थी पर कैसे पढ़ाई की बात भी कही थी, वो इस मूवी में देखी जाएगी। और असुरों के बारे में लिखते हुए, असुर समाज को कैसे दिखाया है उस पर लिखते हुए अपनी किताब रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशंट इंडिया में बाबा साहब ने कहा था कि ये जो असुरों को बुरे भला दिखाया है, भूत की तरह दिखाया है, ये बिल्कुल गलत है, ये रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों की वजह से हुआ है, ये किताब में लिखा है बाबा साहब ने। और इसका जो समाधान है और इसकी जो सही बात है वो बुद्धिज़्म में लिखा है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में पाया जाता है कि कैसे असुर एक सामान्य शब्द था बहुत सारी जातियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, जैसे दैत्य हो गए, दानव हो गए, राक्षस हो गए, पिशाच हो गए, ये जातियों के नाम थे। और इसको जो इन ग्रंथों की वजह से, हिंदू ग्रंथों की वजह से, इनको एक विलन के रूप में, एक भूत के रूप में दिखाया, वो गलत है और उसका समाधान बुद्धिज़्म में है। तो ये बाबा साहब ने जो असुरों पे कहा था हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये देखिए आप हमारा पैकेज, इसके इंटरेस्टिंग बहुत सीन्स और डायलॉग्स भी हैं हमारे पैकेज में। उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ये जो शोषण का और हिंसा पे इस मूवी ने बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और विवाद हुआ इस पर, उसकी चर्चा ज़रूर करेंगे, और कैसे ये आज के समय में प्रासंगिक है मूवी, उसकी चर्चा भी करेंगे। वेट्री मारन द्वारा निर्देशित असुरन साहित्य अवार्ड विनिंग लेखक पुमानी की किताब वेकई पर आधारित है।
असुरन के पहले सीन में ही शिवमणि और उनका छोटा बेटा नदी पार कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं पुलिस और जमींदार के परिवार के गुंडों से। छोटे बेटे ने बड़े जमींदार नरसिंह का कत्ल किया होता है। फिर पीछे की कहानी पता चलती है कि सवर्ण जमींदार उनकी 3 एकड़ जमीन छीनना चाहते थे सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए। कई अत्याचार किए जमींदार ने उनके परिवार पर, शिवमणि की पत्नी के साथ भी, जो शिवमणि के बड़े बेटे को गवारा नहीं था। वो भिड़ जाता था जमींदार और उसके बेटों के साथ। नरसिंह जमींदार ने बदला लेने के लिए बड़े बेटे को क्रूर तरीके से मरवा दिया। छोटे बेटे ने अपने भाई को न्याय ना मिलता देख नरसिंह की हत्या कर दी। पुलिस, पंचायत और सामंती लोग मिले होते हैं तो पूरे परिवार को भागना पड़ता है। शिवमणि का बेटा उसे कमज़ोर समझता है, पर शिवमणि लड़ता है जब गुंडे उन पर हमला करते हैं। अपने परिवार की रक्षा के लिए वो किसी को नहीं छोड़ता। फिर स्टोरी फिर से पीछे जाती है, जब शिवमणि बताता है कि कैसे जब वो जवान था तो उन्होंने आंदोलन किया था ज़मीन के लिए, अपने ही ज़मींदार को मारा जब ज़मींदार ने उनके गांव में आग लगा दी और उसके परिवार वाले भी कई मारे गए। इसमें दिलचस्प बात एक ये है कि जो ज़मीनें थी वो अंग्रेज़ी सरकार ने आज़ादी से पहले दी थी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, पर सामंतियों को ये रास नहीं आया, उन्होंने ज़मीन हड़पने की सोची। एक और बात कि बहुजन व्यक्ति ने जब अपर कास्ट के लिए काम किया, उसके लिए मुनाफा कमाया, तब तक सही था। अपने हक और गरिमा की लड़ाई के लिए लड़े जब, तो जातिवादी अहंकार सामने आ गया सवर्ण ज़मींदारों का। ज़मीन पर भी एक सीन है, जब सरकारी दफ्तर में बहुजन लोग अपनी ज़मीन वापस मांगते हैं तो ज़मींदार कहता है कुछ नहीं कर पाओगे, सरकार में भी हमारे लोग हैं, जो दिखाता है जाति का बंधन। अंत में, क्लाइमैक्स में, शिवमणि और उसका बेटा बड़े वकील के पास जाते हैं, कोर्ट भी जाते हैं, पंचायत भी जाते हैं, पर मानते नहीं ज़मींदार बिना बदले के, ज़मींदार बदले में रहते हैं। असुरन की लड़ाई आप देखिएगा, क्लाइमैक्स खुद देखिएगा। हम यहाँ बता देते हैं कि शिवमणि ने अपने बेटे को क्या कहा अंत में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसने कहा, अगर ज़मीन होगी तो कोई भी छीन लेगा, अगर पैसे होंगे कोई भी लूट लेगा, अगर पढ़ा लिखा होगा कोई तो उसे कोई नहीं छीन सकता, अन्याय से जीतना है तो पढ़। हिंसा पूरी मूवी में उसने कहा कि मैं हिंसा नहीं, और काफ़ी मतलब फर्स्ट हाफ में तो वो उठाता भी नहीं है शिवमणि कोई भी वेपन। पूरी कहानी में कहता है कि हमें नहीं लड़ना, पर जब बात आती है उसके परिवार की सुरक्षा के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, तो वो लड़ता है अंत तक। कहता है कि हमें पढ़ाई से आगे बढ़ना है, लड़ने से नहीं। और इसमें ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने, सवर्णों ने हो या ब्राह्मणों ने, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर, बहुत बड़े बड़े मूवी रिव्यूअर्स ने भी इसे एक बदले की कहानी बताया है, पर वो गलत है। आप देखिए, बदला ज़मींदार ले रहा था, और उसके पक्ष में भी बहुत सारे सवर्ण लोग थे जो शिवमणि को एक किलर, एक मर्डर की तरह पेश कर रहे थे, हत्यारे की तरह। वो गलत देखना है, वो इन बहुजन कहानियों को भी एक ब्राह्मणिकल, ब्राह्मणवादी पर्सपेक्टिव से देखना हो जाएगा। तो ये कहानी जो लड़ाई है वो शोषण के खिलाफ अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई है, ऐसी लड़ाई है, ये आंदोलन है, विद्रोह है, ये हिंसा हत्यारापन नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें है। और साथ ही साथ जैसे एडुकेशन की तो बात करी, तो उसने एडुकेशन अपने बेटे को मैसेज यही दिया एडुकेशन का। और इसमें कई सीन्स भी ऐसे हैं कि जैसे बहुत छोटे सीन्स हैं, वो ज़्यादा ऊपर दिखते नहीं हैं, पर बहुत बार वो कहते हैं कि तुम स्कूल जाओ, स्कूल गए, बात भी करता है अपने बच्चों से स्कूल जाने की। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सीन है, जो छोटा ही लड़का होता है, वो उनकी, उसकी एक छोटी बहन भी होती है, तो जब अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद, हत्या करने के बाद, उनके बाद उसको अपने काम को, वो अपने, माफ़ कीजिएगा, अपने स्कूल को छोड़ देता है, कहता है मैं काम करूँगा ताकि मेरी बहन पढ़ सके। तो पढ़ने का बहुत बड़ा एक सब कॉन्टेक्स्ट, सबकॉन्शियस तरीके से इस मूवी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मॉडर्न टाइम्स में हम इसलिए कह रहे हैं प्रासंगिक है, तो तमिलनाडु
पेरियार की भी है, बाबा साहेब की तो है ही, तमिलनाडु पेरियार की लैंड है, वहीं से पेरियार आए थे। पेरियार पूरे देश के हैं, आइकन है डेफिनेटली, बहुजन आइकन, पर वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस है। और वहाँ पे तमिलनाडु में, पूरे साउथ इंडिया में कह लीजिए, द्रविड़ियन मूवमेंट रहा है जिसने ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को ललकारा है। तो वहाँ से ऐसी मूवीज़ बन के आ रही हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ से नहीं आ रही, वहाँ से आ रही हैं और मराठी में भी आ रहे हैं, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और प्रासंगिकता की एक और बात है, आज ही खबर में आया था, पंजाब में हेडिंग में ही था खबर, कि दलित वर्सेस लैंडलॉर्ड्स, दलित वर्सेस जमींदार। तो किसानों की और जमींदारों की लड़ाई तमिलनाडु से देखिए आप पंजाब यूपी तक ये हो रही है, आज भी खेतों को लेकर, जमीन को लेकर चल रही है ये लड़ाई। कब से, ये आज़ादी के बाद की कहानी है, पर आज भी 70-80 साल हो गए आज़ादी के बाद, फिर भी ये लड़ाई चल रही है। अंत में इसका एक और संयोग है, हम वीडियो आज बना रहे हैं तो उसी आज ही अयंकाली की बरसी है। अयंकाली एक क्रांतिकारी थे, केरला से आते थे, उन्होंने भी बहुजन समाज के, बहुजन मजदूरों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और एक बहुत बड़ा, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन जमींदारों के खिलाफ ऑर्गेनाइज किया 1907 में। तो ये कितनी सिमिलैरिटी है उसमें भी, जो असुरन ने किया, जो शिवमणि ने किया, ये बहुत सिमिलैरिटी इसमें भी है। तो ये बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बताइएगा आपको हमारा रिव्यू, हमारा आंकलन कैसा लगा, या आपकी कोई और स्पेसिफिक और मूवी हो, हमने कुछ नाम बताए, कोई आप मूवी चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर भी ज़रूर करेंगे रिव्यू। और साथ में ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ, ये एक स्पेशल सेगमेंट है, ऐसे सेगमेंट्स कम होते हैं, मूवी रिव्यूज़ ज़्यादातर पॉपुलर फिल्म्स के आंकलन होते हैं, पर इस तरह से इस बहुजन पर्सपेक्टिव से उसे करना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारी नई सीरीज़ के बारे में लोगों को ज़रूर बताइए, हमारे चैनल द न्यूज़ बी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, जैसे हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम हर जगह सक्रिय रहते हैं। जय भीम।